यूहन्ना रचित सुसमाचार नौवां अध्याय। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा, शीलोह के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा, यह वही है। औरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शीलोह में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहां है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थीं, वह सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आंखें किस रीति से खुल गईं? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कई फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। औरों ने कहा, पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है? सो उनमें फूट पड़ी। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि यह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके माता पिता को, जिसकी आंखें खुल गई थीं, बुलाकर उनसे न पूछा कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह क्यों कर देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब क्यों कर देखता है, और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कहीं क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि वह सयाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने न सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया।
यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उससे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है।